इन दोस्तों स्वागत है आज की क्लास, और आज की क्लास है हिमाचल पुलिस तैयारी के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस इयर्स में आए हुए क्वेश्चंस की क्लास। और देखें अब कितना दम है आप में। हमारा ये स्पेशल कोर्स है जो कि हिमाचल पुलिस के लिए चल रहा है स्पेशल। इसमें हमारी बुक्स बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है, स्पेशल नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स हमने मेंटेन करके आपके लिए बनाए हैं, वीडियो क्लासेस हैं, साथ में टॉपिक वाइज सीरीज हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको दिए जा रहे हैं। vijaypatheducation.com के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिएगा हमारी एप्लीकेशन विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। पहले सवाल से ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा टाइम आपका। पहला सवाल देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवाइजर्स और द शिमला एडवाइजर्स नाम के निम्न दो स्थानीय थे, तो वो क्या थे? विज्ञापन एजेंसी थी, समाचार पत्र थे, पर्यटन भवन था या अंग्रेज सरकार का कार्यालय? जल्दी से अपनी ऑप्शंस जो हैं वो लगाएं, आंसर दें कि आपके हिसाब से जो है आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से अपना आंसर जो है वो साथ साथ में करते चलिए, जिससे जो है मैं मुझे आपके जो है आंसर का पता लगे कि आपको कितना नॉलेज हुआ है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, समाचार पत्र। पहला आंसर जो है वो इसका क्या है, समाचार पत्र। ये दो एजेंसियां हैं जो कि शिमला में थी और ये ब्रिटिश राज के दौरान जो है वो ये कार्यभार जो है संभाल रही थी। अगला सवाल है, शिमला में वाइस रीगल लॉज बनाने का विचार जो आया था, ठीक है, तो किस अंग्रेज के मन में आया था? कौन सा अंग्रेज था जिसके मन में आया कि वाइस रीगल लॉज बनाया जाए शिमला में? लॉर्ड लिटन था, लॉर्ड डफिन है, लॉर्ड नॉर्थ बुक है, लॉर्ड कर्जन ऑप्शन में है। तो चार ऑप्शंस इसी प्रकार से आएंगी, तो सही ऑप्शन के साथ आप आंसर जो है वो अपना लगा सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखना चाहे तो वैसे लगाएं, प्रैक्टिस जरूर करें इन क्वेश्चन। तो आंसर है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, ये विचार सबसे पहले लॉर्ड लिटन के ही मन में आया था और इसका निर्माण भी लॉर्ड डर्फिन के द्वारा जो है फिर किया गया था। मतलब बनाया, बनाने का जो विचार है वो लिटन के मन में आया, बनाया डर्फिन ने है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र भाषा और भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस है एनसी नेगी, देवराज शर्मा, वाई एस परमार और ओ सी सूद। तो चार ऑप्शंस प्यारे बच्चों, चारों ऑप्शन में से आपको कौन सी ऑप्शन सही लगती है आप अपना आंसर जो है वो साथ साथ में कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल जाने से पहले मैं बता देता हूं, यशवंत सिंह परमार जो है वो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्होंने ही हिमाचल को जो है अस्तित्व में लाने के लिए जो है आधारशिला भी रखी थी, इसीलिए इनको जो है वो हिमाचल निर्माता की भी कहा जाता है, ठीक है जी। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य की हरित ऊर्जा का प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र है? काला अंब, बद्दी ब्रोटी वाला है, टहलीवाल है, पोंटा साहिब है। चार ऑप्शंस हैं, कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है अपना टिक लगाने की कोशिश करिएगा। काला अंब, बद्दी ब्रोटी वाला लग रहा है आपको, टहलीवाल लग रहा है या पोंटा साहिब लग रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है टहलीवाल, बी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन है, टहलीवाल। अगला सवाल जाने से पहले ये टहलीवाल के बारे में देख लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। ये अंब का क्षेत्र मैथपुर ऊना के पास पड़ा, गगरेट पड़ा, ये सभी जो हैं ये विकास जो विकसित हैं और ये यहाँ पर बहुत ज्यादा औद्योगिक केंद्र जो है वो बनता जा रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब उद्योग खुल रहे हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस जगह है।
अगला सवाल है, वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन के अंतर्गत कितना क्षेत्र था? 2310, 3000 हेक्टेयर, 1840, 9110 हेक्टेयर, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, 2110 हेक्टेयर जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, जिसमें कांगड़ा और मंडी जिले में ही चाय की जो है वो खेती की जाती है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन यानी कि मेल जो है सरकारी भेड़ प्रजनन फॉर्म यानी कि जो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो कौन कौन सी जगह पर है आपके हिसाब से? ज्योरी, स्रोल, ताल, करछम, नगवाई, जरोल, बेरी, सराहन, तो माजरा, कंडवाड़ी, बजोरा और उदयपुर। अब बजोरा और उदयपुर में नहीं है ये याद रखिएगा जी। पतलीकुल, निहारी, ज्वाली और टिकट, ज्वाली में भी नहीं है जी। तो अब सही ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन, ज्योरी, स्रोल, ताल और करछम। ज्योरी आपका शिमला में आ जाएगा, ए ऑप्शन देखिए करेक्ट है, ज्योरी जो है वो शिमला में आ जाएगा, स्रोल जो है वो चंबा में है, ताल हमीरपुर में है और करछम किन्नौर में है। तो यहां यहां पर जो है हिमाचल प्रदेश के क्या है? हिमाचल प्रदेश के भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगला सवाल, स्पीति में स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को सुरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन केंद्र प्रक्षेत्र किया है? नाको किन्नौर में, नाको झील भी है, ऐसे लरी लाहौल स्पीति में, काजा लाहौल स्पीति में या छितकुल किन्नौर में? तो इसका सही आंसर है लरी, लरी लाहौल स्पीति में जो है ये स्थापित किया गया है घोड़ा प्रजनन प्रक्षेपित। यहां पर जो है घोड़ा जो है वो चमुर्थी नस्ल का जो है वो घोड़े को पाए जाते हैं और उनको ब्रीड को तैयार किया जा रहा है और ये पिन वैली भी बोलते हैं, स्पीति लाहौल स्पीति की पिन वैली में है ये, ठीक है जी। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं, राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की वित्त पोषण पद्धति क्या है? 90-10 यानी कि केंद्र का 90%, राज्य सरकार का 10, 85-15, 75-25, 65-35, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 90-10। उच्चतर स्तर में जो है वो केंद्र सरकार जो है 90% और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो 10% का है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश वर्ष 2017-18 में परिवहन क्षेत्र पर कहां पर है? परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना की परिव्यय कितना था? 713, 682, 1073 या 213 करोड़, तो कौन सी ऑप्शन आपके हिसाब से सही रहेगी वो अब आपने ध्यान से रखनी है और अपने अपने आंसर जो है वो देने हैं। टोटल आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 1073 करोड़। वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में बागवानी फसल और फल विशेषकर सेबों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओलारोधक जालियों का प्रयोग किया गया है, तो कितने प्रतिशत उपदान यानी कि प्रदान की गई है? 50, 65, 70 या 80, तो कितने प्रतिशत की गई है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 80%। 80% जो है वो जालियां जो है वो प्रदान की गई है, उपदान की गई है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्र जो है वनों के अधीन है एवं ये कुल भौगोलिक प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास 37,033 वर्ग किलोमीटर और 66.52 प्रतिशत, 35,955 वर्ग किलोमीटर और 64.49 प्रतिशत, 32,400 वर्ग किलोमीटर और 52.20
प्रतिशत 36,980 किलोमीटर 66.42%। तो कौन सी ऑप्शन आपको सही लग रही है, आप अपनी ए बी सी डी चार ऑप्शन से बच्चों वर्दी लेकर आनी है, इसलिए वर्दी के चक्कर में आपने जरूर ये सवाल तैयार करने हैं। और पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन है ए 37,033 वर्ग किलोमीटर में फैल जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल है और 66.52 जो है प्रतिशत जो है वो प्रतिशत की स्थिति में यानी कि भौगोलिक स्थिति में जो है वो दर्शाया जाता है। और इसमें जो है हरियाली को लिया जा रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाता है कुल्लू लाहौल को विभक्त करने वाला यानी कि अलग करने वाला रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा का पुरातन नाम क्या था यानी कि उसका पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम देखिए नंदन भृग, हिमाद्री, भृगुतुंग या ऋषि पर्वत। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन सी ऑप्शन आपके को सही लगती है वो देखने वाली बात है। सभी याद करते हैं अटल टनल याद रखते हैं या रोहतांग दर्रे को याद करते हैं, पर उसका पुराना नाम जो है वो है भृगुतुंग। भृगुतुंग जो है यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसकी सही ऑप्शन रहेगी। व्याख्या में भी वही बताया गया है, आप इसका पीडीएफ भी हमसे ले सकते हैं और कॉल या मैसेज करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंख्या अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आयु विज्ञान महाविश्वविद्यालय सामुदायिक विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान मुक्त की औसत प्रतिशत दर कितनी है। चार ऑप्शंस हैं आपके हिसाब से, कौन सी ऑप्शन जो है वो सही लगेगी आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन 85.42%। बहुत ही कम समय होता है एग्जाम में, तो इसलिए तैयारी करें। नेक्स्ट आ जाता है बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा अवस्थित है। ऑप्शंस है जलोड़ी, दराती, चुंग, शाहगो दर्रा या बरुआ दर्रा। तो आप अपने अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं और क्या आपको लगता है आंसर कौन सा होना चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन है चुंग शाकगो दर्रा। तो अगला सवाल है निम्न में से किस नदी को कृषि भूमि की भीषण हानि से पहुंचाने के कारण स्थानीय लोग दुखों की नदी कहते हैं। दुखों की नदी जो अपना रास्ता बदल दे, लोगों के घरों में घुस जाए, लोगों की जमीन को भा दे, वो दुखों की नदी होती है। कौन सी, तीर्थन, सवाब या भागा या पार्वती। तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, सभी ऑप्शंस के साथ आंसर दे सकते हैं। ये ऊना में बहती है और अपने हर बार रास्ते को बदलती भी है। और यहां पर जो है दून पहाड़ियां भी हैं, ठीक है, उन्हीं से ये निकलती है खड्ड के रूप में और नदी का रूप ले लेती है। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगी वो है बी ऑप्शन सवा नदी, जो कि ऊना में शोक की नदी के नाम से भी जानी जाती है और ये जो है जमीन को काफी हानि पहुंचाती है। तो ये थे आज के सवाल जो कि महत्वपूर्ण 15 सवाल मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। डेली ये वीडियोस आएंगी आपके सामने, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना है, शेयर करना है और साथ में नोट्स बनाने और कुछ नहीं करना है, और वर्दी का सपना हम सब इकट्ठा देखेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।